शिवनी जिले के आदिवासी विकास खंड कुरवई के ग्राम पचधार में निवास करने वाले मिट्टी कलाकार इन दिनों मिट्टी के संकट से जूझ रहे हैं। मनचाही मिट्टी की कमी के चलते देश विदेश में अपनी अलग पहचान रखने वाला शिवनी की ये अनोखी कला अब संकट में है। जिले का आदिवासी बाहुल्य विकास खंड कुरवई, जिसमें स्थित है विश्व प्रसिद्ध पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व में लगा है छोटा सा गांव पचधार, जिसकी लगभग पूरी आबादी मुख्य रूप से मिट्टी की कलाकृतियों को आकार देने का काम करती है। गीली मिट्टी को इस तरह तरह के आकार देते हैं ये सदे हाथ, कभी तरह तरह के बर्तन तो कभी खिलौना या आदिवासी संस्कृति से जुड़ी कृति को गढ़ते दिखाई देते हैं। इस अनोखे गांव में लगभग हर घर के सामने आप मिट्टी का ढेर और मिट्टी को आकार देने की क्षमता समेटे एक कुम्हारी चक्र देख सकते हैं। क्या बूढ़े क्या जवान, बच्चे माताएं बहनें सभी मिट्टी को अपनी अपनी परिकल्पना से नित नए आकार देने में माहिर है। बच्चे बड़े होकर अपने पिता की तरह माहिर कलाकार बनना चाहते हैं, तो बेटियां शादी के बाद भी ससुराल में काम जारी रखना चाहती है। वहीं बहुएं अपने मायके में सिर्फ घड़े बनाना जानती थी, तो यहां आकर गांव की मिट्टी को अपनी कल्पना से नया आकार दे रही। वे अपने बच्चों को भी इसी व्यवसाय में माहिर बनाना चाहती है। मिट्टी की ये अनोखी कलाकार इन बर्तन मटकों खिलौनों से होने वाली आमदनी से अपने आप को संतुष्ट बताते हैं। अब ये बोतल थर्मस रोटी बनाने के तवे जैसे नए बर्तन भी निर्मित कर रहे हैं। वे बताते हैं कि उनकी निर्माण सामग्री की बड़े शहरों में अलग पहचान है। वे पेंच टाइगर रिजर्व के पर्यटकों से भी अच्छा व्यवसाय पाए जाते हैं। इस बात की सच्चाई जो भी हो, पर इस व्यवसाय को संतोष के भाव इनके चेहरे पर अलग ही दिखाई देता है। तो उनकी आँखें रिजर्व फॉरेस्ट की मिट्टी नहीं मिल सकने से व्यवसाय का भविष्य खतरे में देखती निराश दिखाई दे रही है। मिट्टी के इन कलाकारों ने बताया कि पहले जंगल से मिट्टी लाकर निर्माण करते थे, जो अब इन वन विभाग की सख्ती के कारण पूरी तरह से बंद हो गया है। अब खेत की मिट्टी को घर से बाहर एक गड्ढा करके सहेज कर रख लेते हैं और उपयोग के अनुसार निकाल कर निर्माण करते हैं। उन्हें पता चला है कि जंगल से मिट्टी लाना कानूनन जुर्म है, पर खेतों की मिट्टी रेतीली और पथरीली होने से उन्हें निर्माण करने में परेशानी आती है। इसलिए उन कारागिरों को अपने व्यवसाय और अस्तित्व में बनाए रखने और रोजी रोटी की चिंता सता रही है। वे शासन से जल्द ही कोई उचित व्यवस्था की बात झोंक रहे हैं। हमने मिट्टी के इन कलाकारों की तकलीफ को जब ग्राउंड जीरो से जानना चाहा, तो पहले वन क्षेत्र अधिकारी से बात की। उन्होंने बताया कि नियमों के चलते वो बाध्य हैं और किसी भी स्थिति में जंगल की मिट्टी कलाकारों को उपलब्ध नहीं करा सकते। सिवनी से मेहबूब अंसारी की रिपोर्ट। आपका चंदन लाल, आपको ये मिट्टी के बर्तन बनाते हो, तो आपको क्या यहाँ कोई समस्या होती है? आसानी से मिट्टी और ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाती? वहाँ तक ठीक है सर, जब खेत वाले यदि मिट्टी देना बंद कर देंगे तो यहाँ का काम बंद हो जाएगा। फॉरेस्ट में हमारी 4-5 एकड़ की ज़मीन थी पहले, बाप दादा से लाते थे वहाँ से मिट्टी, उन्हें बंद करके फॉरेस्ट वालों ने कब्जा कर लिया अपना, तो खेत वाले दे रहे मिट्टी। जब उनका खेत बन जाएगा तो मिट्टी देना बंद कर देंगे वो लोग। बस समस्या ये है, ये समस्या है। ये मिट्टी खदान नदी के टेक पे थी हमारे पास, मतलब मिट्टी की व्यवस्था कर शासन कर दे तो ये जो मिट्टी से बनने वाले जो बर्तन हैं ये सुचारू चालू रहेंगे। क्या नाम है? लक्ष्मी लाल समीची रहे हैं सर। क्या काम करते हैं? ये कुमारी काम कम से कम 50 साल करीबन होने लगा सर, जब से कर रहा हूँ काम। हाँ, तो ये क्या पहले भी पहले से सर बाप दादा से अब कितनी पीढ़ी हो गई सर, ये है तो हमको मालूम नहीं है। आपके गांव में कितने लोग ऐसा काम? ये कम से कम 80-90 लोग काम कर रहे हैं। कितने परिवार लगे हुए हैं इस गांव में? पूरे टोटली सर 100 के ऊपर ही होंगे सर यहाँ। तो क्या क्या बनाते हो आप यहाँ? घड़े, गमले वगैरह और रोटी के तवे वगैरह, ये सब ही कुकर वगैरह सब बनता है सर, हर आइटम। माल कहाँ कहाँ जाता है बिकने? ये जाता है वर्धा, हिंगन घाट, अकोला, कारंजा, इधर बहुत दूर दूर जाता है सर, बॉम्बे तक की भी जाता है माल। यहाँ पे टूरिस्ट लोग भी लेते हैं क्या? आते हैं सर, टूरिस्ट लोग आते हैं, हर रोज़ 2-3 गाड़ियाँ लगती रहती है। तो आप अपने बिजनेस से खुश हो? अच्छा, इसमें रकम मिल जाती? नहीं सर, कम रकम मिल रही है सर, उतनी तो नहीं मिलता, नहीं पाती, मेहनत के हिसाब से कम मिल रही है सर। जैसे नागपुर के टूरिस्ट लोग जो आते हैं वो एकदम कम कीमत में मांगते हैं। अच्छा, तो सरकार से क्या कुछ लाभ आप कुछ मिला क्या? सरकार से सर ये उद्योग से चाक मिला है हमको 5-6 साल के पहले, बच्चों को मेरे को तो कुछ नहीं मिला सर।
माटी कला बोर्ड में है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन? हाँ, माटी कला बोर्ड से है ना, वो बना है सर यहाँ पे, वो जो बिल्डिंग बनी है। हाँ, माटी कला बोर्ड का। दर्शन करने बाहर आहर गए हो? गए तो है सर, नागपुर भी गया था। अभी वो ये मिला मेरे को अवार्ड, क्या कौन था, नेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड होगा। हाँ, भोपाल भी गए थे। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से सर हमको थोड़ा मिट्टी विट्टी अच्छी मिले, मिट्टी भी थोड़ी कमी है यहाँ पे, लकड़ी वकड़ी का भी थोड़ा प्रॉब्लम है सर। रेट वेट भी बहुत कम सर, जैसे घड़े का रेट तो बहुत ही कम है सर, घड़े का रेट कम है यहाँ तो सर। हम थोक में 40 रुपये का दे देते हैं सर, 40 रुपये 50 रुपये का दे देते हैं, जो शहर में 100-125 रुपये का बिकता है सर। ये प्रकरण आप पहली बार मेरे सामने लाए है। वन विभाग में जो कानूनन प्रावधान है वो उसमें किसी प्रकार की क्वेरी की स्वीकृति नहीं दे सकते कि भाई कोई खदान स्वीकृत हो वहाँ से ले जाए। अब चूंकि ये प्रावधान ही नहीं है कि भाई उत्खनन हो, उत्खनन प्रतिबंधित है, तो ऐसी स्थिति में वन विभाग के पास इसका कोई विकल्प नहीं है। जहाँ पे मिट्टी कलाकृति बनाते हैं कारीगर, उनको मिट्टी की समस्या हो रही है। पहले वो जंगल से लाते थे, अब मिट्टी उनको नहीं मिल पाती। देखिए, पचधार जो है सिवनी ज़िले का बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है और ये शिल्प गांव है, और यहाँ के मूर्तिकारों के द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही अच्छी कला है। इस कला के संरक्षण के लिए जिला प्रशासन संवेदनशील है और हम लोग प्रयास करेंगे वन विभाग के अधिकारियों से बात करके, यदि वहाँ के जो मूर्तिकारों को शिल्पकारों को मिट्टी की समस्या आ रही है उस पर हम लोग संज्ञान में लेके तत्काल इस समस्या को दूर करेंगे। इससे पहले भी हमने उस गांव में शासन की सहायता से उनके लिए इलेक्ट्रिक चौक की व्यवस्था करी थी, उनके लिए वन विभाग से लकड़ी की व्यवस्था करी थी, और भी उस कला के संरक्षण के लिए जो भी प्रयास करेंगे हम लोग निश्चित रूप से करेंगे, और किसी प्रकार की समस्या वहाँ के मूर्तिकारों शिल्पकारों को जिला प्रशासन नहीं आने देगा। ये जंगल से मिट्टी मिलने का प्रावधान है सर ऐसा कुछ इस संबंध में? चूंकि वो वहाँ पेंस नेशनल पार्क का कोर एरिया भी लगता है और बफर एरिया भी लगता है, तो वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा करने के उपरांत ही हम लोग कोई स्थायी व्यवस्था और स्थायी समाधान इसका निकाल पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।